नरक है, यह समझ लो ये एक तरह का नरक है। अब एक तो सफाई नहीं है पहली, दूसरी बात ये भर जाती है पुल के नीचे, वो बिल्कुल रास्ता जाम हो जाती है बरसात में। पार्षद से मिले कभी आप? पार्षद यहाँ का है एक, पार्षद दो तीन दफे कही है, वो सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। पार्षद तो हो गया, छह सात साल है, छह साल चलते तो ऐसा ही है। तो आप लोग विधायक जी से मिले? हाँ बिलाक्षी मिले, मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कह रहे हाँ कराएंगे कराएंगे कराएंगे। चन्ने में बहुत बुरा लगा तू है। अच्छा, और गाड़ी पंट गई। और यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मिले? उनसे भी मिले, कार निकलती है भैया। वो भी कह रहे हैं करा देंगे, हो जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। मतलब अब तक काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री बन जाती है जाके जाके। नमस्कार, मैं जयकिशन सिंह एकलव्य आज ग्राउंड पर हूँ, जहाँ आगरा के प्रकाश नगर और गढ़ी चांदनी को जोड़ने वाले जो मार्ग है उसकी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी क्या स्थिति है ये हमने लोगों से बात की, और आइए हम इसको आपको एक बार और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो रास्ता है वो एकदम इसकी दयनीय स्थिति है। कई पिछले लगभग लोगों से बात करने पर पता चला है कि लोग यहाँ करीबन 20 वर्षों से कोई रह रहा है, कोई 30 वर्षों से रह रहा है, कोई 15 वर्षों से रह रहा है, लेकिन इस रोड का अब तक मरम्मत कितनी बार हुई है वो लोग एक या दो बार ही बताते हैं। तो यहाँ के जो निवासी गण हैं उनसे मिलाते हैं, और ये आंटी जो खड़ी हुई हैं इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये जो निकल के जाते हैं जब उस रास्ते से, तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है इनको। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। तो आप कभी प्रकाश नगर से जो रास्ता गढ़ी चांदनी के लिए गया है उस पर गए हैं कभी? कैसा लगता है आपको उस पे चलने में, और क्या विकास है वहाँ पर? अच्छा, कैसी स्थिति अच्छा है? ना लगा तो कोई गाड़ी ने दुख दर्द को बयां किया धीमी आवाज़ में, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है यहाँ की वो काफ़ी तानाशाह है, वो काम करने के लिए कितना किस तरीके से काम करते हैं ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आइए हम और कुछ स्थानीय निवासीगण खड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से, उनका क्या ओपिनियन है, वो किस प्रकार से सोचते हैं इसके बारे में। आप कभी उस रास्ते पर गई हैं? हाँ गए तो। कैसा लगता है? चन्ने में बहुत बुरा लगा तू है। अच्छा, अच्छा। गाड़ी पंट गई तो गिरा पड़े। आप चाहते हैं कि वो सही हो? है? हाँ सही हो जाए तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, आप गिर गए थे आपकी गाड़ी? हाँ। तो मतलब ये भी चाह रही हैं कि उसका विकास हो और उस रास्ते को बनवाया जाना चाहिए, लेकिन पिछले 10 से 12 वर्षों से उस पर ना ही कोई काम हुआ है और ना ही कोई विकास की स्थिति देखी गई है। योगी सरकार के विकास कार्यों की खुली पोल, इस इलाके में आज भी जिंदगी बद से बदतर। सरकार के लाखों दावों के बावजूद भी विकास कार्य यहाँ को सुदूर से दिखाई पड़ता है। यहाँ के सांसद एसपी सिंह बघेल एवं विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी हैं। जनता को इन्होंने केवल आश्वासन के अलावा अब तक नहीं दिया विकास कार्य। प्रकाश नगर से गढ़ी चांदनी वाला जो रास्ता है, मार्ग है, वो आपने देखा किस तरीके की यहाँ की स्थिति है। यहाँ बहुत समय से कोई भी विकास नहीं हुआ है, और यहाँ की नालियाँ देखी जाए तो नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है, कोई पानी की निकासी अच्छी नहीं है। इसके साथ जहाँ 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 तहाँ पानी भी भरा हुआ है, यही बरसात का जब मौसम आता है तो यहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है, कभी गाड़ियाँ गिरती हैं, कभी टेम्पो गिरता है, कभी यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं होती। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गाड़ी आ रही है, ये तो कुछ नहीं है, ये पानी आपको जो कम पानी है, बहुत कम पानी है, तो ये स्थिति है। लेकिन जब ज़्यादा पानी जब बरसातों में भर जाता है तो यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। आइए, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और ये ढकेल वाले भैया हैं जो मोमोज की ढकेल लगाते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि किस प्रकार से ये लोग इन समस्याओं को रोजाना देखते हैं। तो आइए भैया, क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु, क्या काम करते हैं आप? मोमोज का काम करता हूँ। अच्छा, मोमोज लगाते हैं जी। तो यहाँ आप काफी समय से मोमोज लगा रहे हैं, कितने वर्षों से लगा रहे हैं? कम से कम 4 साल हो गए। 4 सालों से आप मोमोज लगा रहे हैं, कैसा फील होता है यहाँ पर आपको खड़े होकर के, कैसा लगता है इस रोड के बारे में? यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो मान लो इंसान भी गिरते हैं, बाइक भी गिरती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपके सामने कई एक्सीडेंट भी हुए हैं जी, इसके पानी की वजह से होता है, स्कूल के बच्चे भी गिरते हैं, देखो स्लिप भी हो जाती है, गाड़ी वगैरह बहुत वो हो जाती है। मतलब आपको, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है निकलने वालों को,
तो ये रास्ता मतलब पक्का होना चाहिए, बनना चाहिए, नालियां सही होनी चाहिए। यहाँ पर एक भैया हैं जो मोमोज खा रहे हैं इस समय, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि इस रोड के बारे में आपकी क्या राय है, आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो अंशुल चौहान हूँ, मैं यहाँ से 10 साल से रह रहा हूँ। ये रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है, इससे आज दिन भी बाइकें कहीं टेम्पू पलटते हैं इसकी पानी बदौलत से, और कहीं बाइकें गिरती हैं, इसीलिए हमारा हमारी मतलब बच्चे पढ़ने जाते हैं ये पानी से निकल के जाते हैं। बट ये रोड बनवा दिया जाए तो भाई हम लोगों का साधन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है, यहाँ पर जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस रोड की मरम्मत कराई जानी चाहिए, ये रोड बनना चाहिए। तो इस पर आइए, हम और एक हमारे भैया हैं उनसे भी राय जानते हैं। मैं यहाँ के जो परेशानी है, मुख्य परेशानी है, उस परेशानी के लिए यहाँ के जन जन की जो आवाज़ है उस आवाज़ को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ सर? जी भैया मैं मोहम्मद चमन हूँ। मोहम्मद चमन जी, मोहम्मद चमन जी आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो यहीं से जा रहा था, बस थोड़ा सा देखा है, मैं पास में रहता हूँ। अच्छा, आप पास में ही रहते हैं। हाँ। क्या स्थिति है इस रोड के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ, देखा है मैंने, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं, इस समय ये रोड ऐसी चल रहा है, और काफ़ी कम से कम लगभग मेरा जन्म से ही देखा है मैंने, ये रोड ऐसे ही चल रहा है। यहाँ की नाली, गंदगी, कीचड़ वगैरह और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं सही। जी तो बताइए, सरकार चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ तक की व्यवस्था सही नहीं बन पाई है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि छोटे बच्चे हैं जी, स्कूल है छोटा सा पास में करीब में ही चंद्रशेखर स्कूल में, और एक स्कूल यहाँ पर भी है। यहाँ से बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, कुछ लोग उनके घर वाले फैमिली के मेम्बर लेने आते हैं तो उनकी गाड़ी स्लिप वगैरह करते हुए देखा है मैंने, गिरते हुए देखा है, बच्चों को चोट लगते हुए देखा है मैंने, काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं मैंने। तो यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं पाता, ये लोग ऐसे हैं कि मजबूर मान लो, कुछ भी मान लो आप, अब ये लोग ऑब्जेक्शन किस पे उठाएं, किससे कहें? तो यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, इनसे कभी आपने बात करने का प्रयास किया? जी कोई बात करना नहीं चाहता, अब एक जने से बात करने से क्या होता है, जब चार लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। जी हाँ, मतलब आप कभी गए हैं उनसे बात करने के लिए? जी हाँ, बात करने की बहुत कोशिश करी है, उनसे बोल आए, अब वो हमारे बात को अनसुनी टहला दिया जाता है उनको। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी बातों को ध्यान ही नहीं देते? हाँ, नज़रअंदाज कर दिया जाता है बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि ये रोड बने? जी हाँ बिल्कुल चाहते हैं सर जी, रोड बने, पानी भी आए यहाँ। तो ये थे मोहम्मद चमन जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा आपके सामने, और ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी जो स्कूल की समस्या है उन समस्याओं को रखा, बच्चों की समस्याओं को रखा, उनके गार्जियन की समस्याओं को रखा। काफ़ी यहाँ गंदगी बता रहे हैं, नालियाँ भी साफ़ नहीं है, ये चीज़ भी बता रहे हैं। आइए हम एक और यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो उनकी क्या राय है। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश चंद। सुरेश चंद जी आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमें हो गए यहाँ पे 22 साल। 22 साल हैं हो गई। और यहाँ पे के बारे में कोई विकास आपने देखा कभी? ऐसा कि कुछ समय बना था जो, मगर उसके बाद फिर नहीं हुआ। ये कितने वर्ष पहले बना था? इसको करीब हो गए होंगे, करीब लगभग जो है 15 साल करीब हो गए होंगे। 15 वर्ष हो गए होंगे तब बना था, उसके बाद नहीं बना? तब से नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे पानी जो है 10 रुपए की बाल्टी लेनी पड़ती, पानी की यहाँ समस्या बहुत है, खारी पानी यहाँ पे पिया नहीं जाता है जो है। मतलब जो रोड पे पानी फैल रहा है वो उसकी तादाद ज्यादा है लेकिन पीने का पानी नहीं है यहाँ पर। पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, 10 रुपए एक बाल्टी लेनी पड़ती है यहाँ पे जो है। जी जी, पानी की यहाँ पे सुलती नहीं बिल्कुल। हमारी जो परेशानी है, यहाँ से रास्ता है, जब बारिश होती है उस समय पानी पूरे में भर जाता है, पानी भर जाता है, निकलते हैं पानी में होके निकलना पड़ता है, पानी में होके निकलना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं, गिर जाते हैं तो दिक्कत बहुत आती है, बिल्कुल आती है। मतलब हम सब ये चाहते हैं कि इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए, मरम्मत हो और पानी भी यहाँ पे लाया जाए। अभी आपने पार्षद जी से संपर्क किया? ऐसा है, वो भी कहते हैं कि हमारे पास जो जनता आए तो भाई हम सहयोग करें, अब जनता हमारे पास नहीं आती हम क्या करें। वो पार्षद जो पार्षद है वो कौन है अभी? इतनी तो हमें मतलब उनके नाम पता नहीं जो है। अच्छा, मगर अच्छा। जिया के पहले मोती महल के थे, अब पता नहीं अब कौन है इस टाइम जो है, इस समय पता नहीं है। हा? और यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है? वो तो यहाँ के शायद धर्मपाल जी हैं। उनसे मिले कभी आप? हम नहीं मिले था होटल से। अच्छा, उनसे नहीं मिले। इस मुद्दे को लेकर के आप किसी सांसद विधायक किसी नेता के यहाँ गए? अब हम तो मजदूर आदमी, अब इतने हम एक जने की 9 जने कहाँ सुनाई होती है जो है, जब 100 जने हैं तब सुनाई होती है जो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना कि यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी त्रस्त है इस समस्या से, करीब 22 वर्षों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, इस रोड का कोई निराकरण नहीं है। हम चाहते हैं
कि ये रोड जो लोगों की समस्या है, आए दिन बच्चों की परेशानी है, बच्चों के गार्जियन गिरते हैं, बच्चे इसमें पानी में होकर के निकल के पढ़ने के लिए जाते हैं, बारिश का मौसम आता है तो बहुत स्थिति ख़राब रहती है, यहाँ की नालियाँ चौक चाबंद पड़ी हुई हैं, इन्हें कोई दुरुस्ती नहीं है इनकी, तो हम चाहते हैं कि ये जो है सारा काम दुरुस्त कराया जाए और इन लोगों की जो समस्या है उसको सुना जाए, समझा जाए, संज्ञान में लिया जाए। आज हम प्रकाश नगर के उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर एक ऐसा मार्ग है प्रकाश नगर से जो गढ़ी चांदनी को जोड़ता है। इस मार्ग पर पट्टिकाएँ जो शिलान्यास की हैं वो तो काफ़ी संख्या में, काफ़ी अधिक संख्या में लगाई जा चुकी हैं, लेकिन काम कितना हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये इस रोड की स्थिति, सड़क की स्थिति, इस मार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी जो पट्टिका लगी हुई है आप उसे दिखाएँ, एक बार फोकस करें। उसके बाद इससे चंद कदम दूरी पर एक और पट्टिका लगी हुई है, आइए। आप देख सकते हैं कि ये एक और शिलान्यास की पट्टिका लगी हुई है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि शिलान्यास की पट्टिकाओं में जो पैसा खर्च किया गया है, जो पूंजी खर्च की गई है, उसके आधा परसेंट भी यहाँ रोड और रास्ते को नहीं बनाया गया। इसके बावजूद जो नालियाँ बनी हुई हैं वो नालियाँ बहुत ही ऊंची बना दी हैं, इन पर पानी चलने के बजाय रोड पर पानी चल रहा है। आसी हैं और एक दुकानदार हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं इस रोड के बारे में, इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुशवाहा। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार इस काम को छोड़ करके। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुशवाहा जी। तो राजू कुशवाहा जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो गई। तो आपने जो इस रोड का जो विकास देखा, अब तक कभी विकास हुआ इस रोड का? बनाए नहीं है आज तक, नहीं बना। कितने वर्षों से नहीं बना? 8-10 साल हो गई। 8-10 साल हो गई। कभी आप यहाँ के लोकल पार्षद या विधायक या कितनी जनता है, पार्षद कितनी जनता है उधर, आप गए हैं कभी? जाते हैं, मुझे कहता है कि मेरे फील्ड में नहीं है, सरकार बीजेपी की है। सही बात है, मतलब आपको बरगला के भगा देते हैं, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश के टाइम में। और यहाँ जो नाली बनी हुई है, ये शिलान्यास की जो पट्टिका लगी है, नाली देखो ये नाली का क्या स्थिति है, एक बार नाली दिखाएंगे, नाली की स्थिति बता रहे हैं, बताइएगा कैसा क्या है। क्या कंडीशन? ये नाली है, आगे पानी भर जाता है, वो पूरे नाली चौक है, पूरी पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो ये नाली कब बनी है? बंद पड़ी नाली, कोई उसमें आगे पूरी बंद पड़ी नाली, कितने कितने समय पहले बनी थी ये नाली? 1-1.5 साल पहले। और अब तक ये इसकी कभी सफाई हुई? एक बार सफाई हुई है केवल। एक बार की सफाई से क्या होता है, 1.5 साल में एक बार सफाई हुई तो उससे क्या हुआ? ठीक है। और हमने ये राय जानी यहाँ के स्थानीय निवासी जो लोकल दुकानदार हैं, और आइए एक हमारे साथ अंकल जी हैं ढकेल वाले, जो इस पर रोजाना निकलते हैं, सुबह शाम डेली अप डाउन करते हैं इस रास्ते से, तो क्या स्थिति इनकी रहती है, क्या इनको दिक्कत होती है वो हम जानते हैं। हाथ लाल पड़े जाते हैं हमारे, तो बताइए। हम इतने परेशानी हुआ, हमारा नाम है सब्बू और फखरुद्दीन। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम ढकेली लगाते हैं, फल सब्जी की यही। अच्छा, ढकेल लगाते हैं। और ढकेल जब आप लगाते हैं तो क्या मतलब आपको दिक्कत आती है इसमें? पूरा मतलब सौदा गिरता है, नाली में भी गिर जाता है हमारा, और कभी कभी पानी में भी गिर जाता है, पलट भी जाती है कभी, तो पूरे डैमेज हो जाता है सब, नुकसान एकदम। यानी आपके लिए ये जो रोड है वो बहुत बड़ा भयानक स्थिति है इस समय। अभी ये थोड़ी सी इस पे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं ये हमें ही पता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आप और भी मतलब एक किलो जाता है, चलते गिर भी निकलता है ना, उसको भी दिक्कत होती है, राहगीरों को भी, बच्चे भी निकलते हैं, गाड़ियां भी गिर जाती हैं, गाड़ियां भी, बच्चे ख़त्म भी हो चुके हैं, एक तो डैमेज भी हो चुके हैं बिल्कुल। तो इनका कहना है, मोहम्मद सबीर थे ये, इनका कहना है कि इस रास्ते पर कई घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, कई लोग एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, गाड़ियां भी गिर जाती हैं और बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है, और यहाँ कई मौत भी हो चुकी हैं एक्सीडेंट में, तो ये इनकी व्यथा थी। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। क्षेत्रीय जनता के बयानों के अनुसार यहां पर बच्चों को आने जाने में समस्या के साथ साथ कई बार नाली और कीचड़ में गिर जाते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की मौत भी हुई हैं। वैसे तो यहां के नेता केवल आश्वासन के सिवाय जनता को कुछ नहीं दे पाए, सरकार बने ही लाके दावों करे, लेकिन यहाँ की जनता से रूबरू होकर ऐसा लगता है मानो यहाँ के लोग विकास के लिए
तरस गए हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट की ओर। आज जो आपने स्थिति देखी यहाँ प्रकाश नगर मार्ग पर, उसके लिए हमने कई लोगों से बातचीत की, यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे बातचीत की। ये एक ढकेल वाले हैं, यहाँ सब्जी वाले हैं, इनसे भी हम एक बार बात करते हैं। ये जो रास्ता है प्रकाश नगर और जो गढ़ी चांदनी को जोड़ता है, उस पर इनका क्या कहना है? तो भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा हरमुद्दीन। हरमुद्दीन, आप यहाँ क्या करते हैं? सब्जी बेच रहा हूँ। ये सब्जी बेचते हैं। तो यहाँ जो यहाँ की स्थिति है, इस रोड के बारे में, रास्ते के बारे में आपको पता है? हाँ, रास्ता पता है, बहुत खराब है। बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। कभी आपने इसकी शिकायत करी किसी से बोला कि आप इसे? नहीं, हमने नहीं की। विधायक से मिले? नहीं मिले। पार्षद से? नहीं। सांसद से? किसी से नहीं मिले। तो यहाँ के जो निवासी हैं वो कभी इस मुद्दे को कोई लेकर के गए, कोई लेकर के नहीं गए, लेकिन अब तक इस पर कितना विकास हुआ ये आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ एक और अंकल हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस रोड की कितने वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह, ये रास्ता कभी आपके सामने कभी मरम्मत हुई इसकी? हमारे सामने तो भाई ना सर। अच्छा, इसकी ऐसी स्थिति रहती है या कभी बनता नहीं है? 6-7 साल है, 6 साल चलते तो ऐसा ही है। तो आप लोग इसमें रह रहे हैं, आपको अच्छा लगता है या उठाना नहीं चाहते इस आवाज? हम किराएदार आदमी खुलते का गए। अच्छा, आप यहाँ किराए पर रहते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो आपको होती होगी? दिक्कत तो है यार, कई बार ढेल पंट गई है। ढेल पंट गई है और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट है जाते हैं, कई बार बच्चे भी निकलते हैं बारिश में, तो उनको भी परेशानी होती है। परेशानी तो नहीं है, बहुत परेशानी होती है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो समस्या का, लेकिन कैसे हो वो हमें नहीं पता, वो हमें ना मालूम। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको बनवाना चाहते हैं आप या नहीं? जल्दी बनाओ। नहीं, हम कोई विधायक सांसद नहीं है, हम केवल आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं। आप जो नहीं बोल पा रहे हैं वो हम बोल सकते हैं। और इनका वीडियो नरक है, घर का। एक एक मिनट, आप सारी बातें बोलना और जो आए सो बोलना, ठीक है? कड़ी से कड़ी। देखिए, हमने बहुत लोगों से, यहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे राय जानी इस रास्ते के बारे में। और एक दादाजी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं के निवासी हैं, मूलवासी हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। दादा, बांगेलाल। बांगेलाल, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गए 20 वर्ष से ऊपर। 20 वर्ष हो गए। आपने इस रास्ते का कभी विकास देखा? कुछ नहीं, विकास अभी नहीं देखा। नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसके विकास के बारे में? एक तो सफाई नहीं है, पहली। दूसरी बात, ये भर जाती है पुल के नीचे, वो बिल्कुल रास्ता जाम हो जाती है बरसात में। नरक है, ये समझ लो, ये एक तरह का नरक है। अब जागी ने चौड़ी हो जाए, बच्चे बच्चे टक्कर हो जाती है, मेरी परेशानी में हो गई है। कई अभी लट्टे से हो गया, ऐसे ही बहुत परेशानी, मतलब कुल मिला के परेशानी अधिक है। कभी आपने इसकी आवाज़ उठाई? आवाज नहीं हो के भाई, सब आदमी अलग अलग रहते हैं, कोई बात कोई मोम नहीं आता। किसी पार्षद से मिले कभी आप? पार्षद यहाँ का है एक, पार्षद 2-3 दफे कही है, वो सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है पार्षद तो हो गया। विधायक जी से मिले? हाँ, बिलाक्षी मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हाँ, कराएंगे। और यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मिले? उनसे भी मिले, लेकिन कार निकलती है भैया। क्या कहा? वो कह रहे हैं करा देंगे, हो जाएगा, आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, मतलब अब तक काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं जाके जाके। दादा का कहना है कि यहाँ जो इस रोड का विकास करने के लिए कोई आगे नहीं आता, हम जब भी जिस नेता से मिलते हैं वो केवल आश्वासन देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। काम आप देख ही रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है। और ये सारी राय जो है इन लोगों की, इनके दुख दर्द, इनकी पीड़ा है, बच्चों को परेशानी होती है, यहाँ जो बच्चे निकल के पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें दिक्कत होती है, उनके गार्जियन जब आते हैं तो गाड़ियाँ गिर जाती हैं, ढकेलें गिर जाती हैं, सब्जी वालों को प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुल मिलाकर के सभी को प्रॉब्लम है। इस समस्या से निजात सभी पाना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे को उठाना कोई नहीं चाहता। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं और ढकेल हैं, सब्जियों की ढकेल हैं, इन लोगों को कितनी परेशानी होती है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको अभी भी जब पानी नहीं है, बारिश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इनको इस पानी से दिक्कत हो रही है। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे एक बार और बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। आपका क्या नाम हुआ? मनीष गर्ग।
मनीष गर्ग जी, आपको यहाँ जो दिक्कत हो रही है उसको एक बार आप बताएं कि क्या दिक्कतें आपको होती हैं प्रतिदिन दिन देखने को, आपको क्या क्या परेशानियाँ मिलती हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये तुम्हारा रोड, ये गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनी और आपका मेहताब बाग तक ये रोड गया हुआ है और इस रोड की पोजीशन ये है, सबसे पहले बरसात में यहाँ पे जो अपना जो पुल ओवर अंडरब्रिज बना हुआ है इसमें पानी भर जाता है। इसके पानी भरने से यहाँ पे पूरे क्षेत्र की जनता परेशान होती है, आवागमन का सारा साधन ख़त्म हो जाता है, कोई आवागमन का साधन नहीं रहता है। दूसरी बात, ये जो रोड है, इस रोड की समस्या यहाँ से लेकर के गढ़ी चांदनी तक बिल्कुल टूटा फूटा रोड पड़ा हुआ है और इसमें काफ़ी समस्या होती है। बरसात के समय में पानी 4-4 फुट पानी भर जाता है इस रोड पर। अच्छा, ये तो रही समस्या की बात, परेशानी की बात, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, यहाँ के जो डकेल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, दुकान वाले हैं, फड़ वाले हैं, उनको भी दिक्कत होती है निकलने में। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं इसके बारे में, कभी आपने यहाँ के पार्षद से बात की? यहाँ के बारे में पार्षद भी सक्रिय हैं काम करवाने के लिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक माननीय धर्मपाल जी ने इस रोड का दौरा सर्वे किया था सभी अधिकारियों के साथ और वो हम सब लोगों को आश्वासन देके गए थे कि जल्दी ही इस रोड का निर्माण करवाया जाएगा। वो अभी जब चुनाव आने को है नगर निकाय के, उससे पहले इन्होंने कभी बात की है? और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, लोकल विधायक हैं, वो हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जो कि विकास के मामले में काफ़ी आगे रहते हैं, लोगों से पता चला है, उन्होंने इसको बनवाने का वायदा किया है, लेकिन पिछले करीब 14-15 वर्षों से इसको, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसका क्या कारण रहा? ये जो स्थिति इतनी ख़राब हुई है, अभी पिछले लगभग 2 साल में ही ख़राब हुई है, उससे पहले तो रोडें लगभग सही थी और अभी ये उधर रोड नया बनाई है। बाकी विकास के मामले में प्रकाश नगर में पिछले 3 साल में काफ़ी विकास हुआ है, चाहे वो पार्षद जी के माध्यम से हो, चाहे विधायक जी के माध्यम से हो, चाहे सांसद जी के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी विकास कार्य कराया गया है इस प्रकाश नगर वार्ड 65 में। ये थे मनीष गर्ग जी, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं या पूर्व पार्षद रहे थे, उन्होंने विकास कराया है और जो वर्तमान में पार्षद हैं उनका इन्होंने नाम नहीं लिया है, कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग जो पहले हम जिनसे बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समय से काम नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो जनता है, जो इन्हीं का निर्णय है, ये क्या निर्णय लेंगे और इस रोड को बनवाने के लिए कितना समय लगेगा, ये तो यहाँ के विधायक ही जानते हैं। सही खबर, तेज नजर, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक आवाज, ब्रश टीवी आपको रखे सबसे आगे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।